चंद्र ग्रहण होने वाला है, शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। चंद्र ग्रहण आरंभ हो चुका है, चलिए मेरे साथ। जी। ग्रहण समाप्त हो गया। गुरुदेव, ये जो ज्योति अभी भी दिखाई दी थी वो क्या थी? ये अमर ज्योति है। कई वर्षों के बाद जब एक विशेष पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, उसी अवसर पर ये इच्छाधारी नाग और नागन यहाँ आते हैं, उन्हीं के समक्ष ये ज्योति प्रकट होती है। आओ मेरे साथ। जी गुरुदेव। शेष नाग की इच्छा से इच्छाधारी नाग नागिन ने तुम्हें यह अपार धनराशि प्रदान की है, ताकि तुम इसे गरीबों के उद्धार और लोक कल्याण में खर्च करो। हम तीनों बाप दादा के समय से यही कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। अब हमें दोबारा कब आना चाहिए गुरुदेव? तुम तीनों अगले चंद्र ग्रहण पर आ जाना। जय शेष नाग। मेरी खुशी चाहिए या मेरी लाश? आज तू मेरे बच्चों की भक्ति की लाश रखेगा,
या अपने भगत को मौत देगा। ये आग मैंने तेरे नाम की जलाई है और इसे अपने खून के कतरों से ही ठंडा करूंगा। तूने हमेशा मेरी बलि की लाज रखी है, मेरी इच्छाओं को पूरी की है। आज भी मेरी इच्छा पूरी कर दे, दोनों नाग और नागिन को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। इच्छाधारी नाग और नागिन मिल गए महाराज। अगर ये बात झूठी थी तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। त्रिकाल देव की कसम, मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से इंसानी रूप धारण करते हुए देखा है। जय त्रिकाल देव, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं उन दोनों को अपने वश में कर लूंगा। इच्छाधारी नाग और नागिन तो बड़े जहरीले होते हैं महाराज। तुम लोगों ने अखौरी की शक्ति को पहचाना नहीं। इस दुनिया में इंसान की सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन अखौरी की सृष्टि शैतान ने की है। 1000 शैतानों को मारकर शमशान घाट में जलाकर एक राख तैयार किया गया। उस राख को 1000 चिपकलियों के खून में घोलकर एक पुतला तैयार किया गया और उस पुतले को मगरमच्छ के खाल से ढक दिया गया और इसके हाथों और पांव में उंगलियों की जगह बिच्छू के डंक लगा दिए गए और इसके बाद अघोरी पैदा हुआ। जगो सब, हजारों नागों के जहर से जो जहर बनता है, अघोरी के जिस्म में वो जहर भरा है। इस दुनिया का सबसे जहरीला इंसान हूं मैं, अघोरी हूं मैं। चलो सब।
सांप तुझे काट लेंगे।
नहीं, ये मुझे नहीं काटेंगे। ये बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और मैं भी बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ। तुम सब लोग ऐसा पाप मत करो और बन जाओ बाबा भोलेनाथ के भक्त। ओ भाई, हम तो सिर्फ पैसे के भगत हैं, पैसे के। तो तुम इन्हें बेच डालोगे? नहीं, हम सांप नहीं बेचते। सांप बेचने से पैसे कम मिलते हैं, हम उनकी चमड़ी निकाल कर बेचेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये देखो। ची 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 ची। अगर तुम्हारे बदन से कोई तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? अबे ओप, चला जा यहां से, वरना इनके साथ साथ तेरी भी चमड़ी सूखने के लिए डाल दूंगा। तुमने मुझे डांटा? मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम सबकी शिकायत करूंगा, फिर देखना क्या होता है। अरे ये उल्लू का पट्टा किससे हमारी शिकायत करेगा? भोलेनाथ, वो सपेरे सब नागों को मार डालेंगे, फिर उनकी खाल उधेड़ेंगे, उससे उनको बहुत दर्द होगा। भोलेनाथ भोलेनाथ, नाग तो तुम्हारे भक्त होते हैं ना, फिर उन पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? सुना भोलेनाथ, मैं तुम्हारे भक्तों को बचाने जाता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ। हाँ, इनमें से एक भी छतारी नाग नागिन नहीं है। इस इलाके के हर सांप को पकड़ के लाओ, जब तक छतारी नाग और नागिन मिल नहीं जाते। तो क्या इन सांपों को मार डाले? अबे शमशान घाट के मुर्दे, मौत सबसे हल्की सजा होती है। इन सांपों के सर को कुचल डालो और उनमें से विष को निचोड़ कर मेरे सामने लाओ, मैं विष्पान करूंगा और इनको मारे बगैर इनके खाल खींच कर धूप में सुखा कर इन्हें बाजार में बेच दूंगा। कौन है तू? ये छादारी नाग, कफन ओढ़ने से पहले मुर्दा शमशान घाट में खुद ही पहुंच गया है। शमशान घाट मेरी नहीं, तेरी भाग्य रेखा में लिखा होगा। अगर अपनी चिता की आग को अपने से दूर रखना चाहता है तो सारे सांपों को छोड़ दे। हुक्म सिर्फ मैं भगवान का मानता था, लेकिन उसे भी अपनी शक्ति से मैंने झुका लिया है। अरे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात यह है अगौरी कि शंकर भगवान भी मुझे अपने कांधों पर बिठा कर रखते। तो फिर मुझे भी तो अपना भगवान मान ले, क्योंकि जहर उसने भी पिया था और जहर मैं भी पीता हूं। उन्होंने जहर पिया था दुनिया को बचाने के लिए, मगर तूने जहर पिया है दुनिया को डसने के लिए। सच कहा तूने, मैं जहर पीता हूं इंसानों को डसने के लिए, मगर तुझे नहीं डसूंगा, तुझे पिटारी में बंद करके रखूंगा। बोल, इनमें से कौन सा पिटारा पसंद है तुझे? मुझे वो पिटारा पसंद है जिसमें तेरी अस्थियां रखकर पानी में बहा सकूं। जय त्रिकाल देव।
प्रीतम मत डसो, ये इतना जहरीला है कि इसका जहर तुम पर ही चढ़ जाएगा। क्या शमशान घाट के मुर्दे, अपने चिता से भाग गया तू? ये मत भूल अगोरी के सांप का जहर सिर्फ उसके दांतों में ही नहीं बल्कि उसकी फुंकार में भी होता है। शमशान घाट के मुर्दों, इच्छाधारी नाग नागिन अदृश्य हो गए हैं, नागिन जख्मी हो चुके हैं, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ, जाओ। अरे रे रे रे, ये तो कितनी जख्मी हो गई, जरूर किसी ने मारा होगा। जय जय भोलेनाथ जी के भक्त जी, अरे आप तो बहुत जख्मी हो गए हैं, लेकिन फिक्र मत करो। ना ये नागिन हमें दे दे। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? शमशान घाट में सिर्फ तीन नहीं चार चिताएं जलेंगी। जिस कुत्ते के पिल्ले ने नागिन को बचाया है सबसे पहले उसकी चिता जलेगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि नाग और नागिन अघोरी के चुंगल से कैसे बचते हैं। चलो। इंसानों में कुछ लोग जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ लोग देवताओं से भी ज्यादा मन के सच्चे और अच्छे। इसका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लगता है भोले बाबा ने इसे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। इस त्रिशूल से खींची हुई रेखा इच्छाधारी नाक और नागिन की मौत की रेखा बन जाएगी। हम देखना चाहते हैं कि वो इसे पार करके कैसे जाते हैं। चलो।
जीती जीती कैसी चंपा बेटी आ गई तू? हाँ हाँ बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? क्या हो गया है आपको? बेटी ये समय रामायण सुनाने का नहीं, बहुत कठिन घड़ी है बेटी, जैसे जैसे धरती फट रही हो। बाबा चंपा, हर बाप अपनी बेटी को दहेज देकर जाता है, मैं तुझे बोझ लेकर जा रहा हूँ, सुन बेटी सुन। नहीं बाबा सुन, चंपा मेरे बाद भोला का ख्याल रखना, इसे अपने साथ ले जाना बेटी, इसे इस काबिल कर देना कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ बाबा, ये बहुत भोला है बेटी, इसे संभाल लेना बेटी, बहुत भोला है। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं बाबा? भोला मेरा छोटा भाई है, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा बाबा। बाबा बाबा आओ भोला, अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अपने जीजा जी को नमस्ते करो। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। क्यों मैं चिड़ी की दुग्गी यहाँ क्या लेने आया? मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ, पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बुढ़ा मर गया था तो घर की चीज भिखारियों में बांट दी होती, उसको पुण्य मिलता, इसे यहाँ कहाँ ले आई? जीजा जी, एक बार पिताजी ने कहा था कि आज के युग में सबसे बड़ा भिखारी तो घर का दामाद होता है। अबे चुप, सबसे बड़ा भिखारी था तुम दोनों का बाप, जिसने जीते जी तो एक दमड़ी नहीं दी और मरती तुझे भेज दिया यहाँ, जैसे घर बहुत बड़ा अनाथ आश्रम है। अरे इसे भी क्यों नहीं झोंक दिया बाप की चिता में, तुम दोनों का श्राद्ध बड़ी धूमधाम से मनाता। भोला तेरे जीजा को मजाक करने की आदत है, तू अंदर जा। अरे अंदर किधर, बाहर चल बाहर। अरे देखता क्या अभी और इसी वक्त, यहाँ आराम के टुकड़े तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठहरो भोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यही रहने दो, इसका मेरे सिवा बचा ही कौन है जो उसकी देखभाल करेगा, और ये हम पर बोझ नहीं बनेगा, दिन में दो वक्त की रोटी खाएगा तो घर का सारा काम भी करेगा। हाँ। अरे रख ले यार रख ले, घर में देसी कुत्ता पालने से कोई बोझ नहीं बढ़ जाता, और ये तो तेरा साला है साला, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू को भाई एक तरफ, क्यों अभी ये कही ना? चल भोला। हाँ ले जाओ ले जाओ, जोरू का भाई एक तरफ, ये तने बहुत बढ़िया कही भाई, बहुत बढ़िया। ये ले मुँह हाथ धो ले। चंपा वो पालतू को अंदर भेज दे। अरे सुना नहीं, पालतू को अंदर भेज जल्दी। भोला जाते रहे जीजा जी तुझे बुला रहे, ये ले। जीजा जी आपने मुझे बुलाया? अरे अंदर क्या कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है, चल बाहर दरवाजे पर वहीं खड़ा रही हो हमेशा, चल चल। यार कुछ खाने वाले को मंगा यार, बहुत भूख लगी है। रुक इधर आ, इधर आ, इधर आ, 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 आ। दो रुपए के उबले हुए अंडे और ये दो रुपए की डबल रोटी, शमशान घाट के कुत्ते की तरह जाना और गली के कुत्ते की तरह आना। अबे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देगा, चलक रहे चल साला। जीजा जी ने क्या कहा था, इसका अंडा और इसकी रोटी, या इसका अंडा और इसकी रोटी? इसके नहीं। क्या कहा था जीजा जी ने? अरे और चंपा, बूढ़े बाप का शोक ही मनाती रहेगी या कोई पानी वानी भी लाएगी? अरे बंसी चल बांट यार, तेरा उद्देश्य कहीं सचमुच शमशान तो नहीं पहुंचेगा भाई? अच्छा भाग जाए तो मैं तो देसी घी के लड्डू बांटूंगा। दीदी अबे खाली हाथ आया है?
अंडे और डबल रोटी कहाँ है? साला मरे हुए बाप के नाम से दान तो नहीं कराया? आप बात बात पे ताना क्यों मारते हैं? भोला, तू बाजार से कुछ लेकर आया? नहीं दीदी। क्यों? वो मैं भूल गया था कि कौन से पैसे से अंडे खरीदने और कौन से पैसे से ये रोटी, तुम ही बता देना दीदी। ये है मेरा साला, इसको दौड़ में अकेला भी दौड़ा दो ना, तब भी साला अव्वल नहीं आएगा, उल्लू का पत्था। अब क्या कहा था तूने? दो वक्त की रोटी दे दो, घर का सारा काम करेगा। अरे गोबर भी जो होता है ना, पुताई के काम आता है, ये तो उससे भी गया गुजरा है, इसे कोई काम नहीं होने का, चल भाग यहाँ से। अरे गाय भैंस तो चरा सकता है ना, गाँव गाँव जानवर चराने के वास्ते रख ले, ताश की बाजी के पैसे भी मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकता। जीजा जी मुझे बांसुरी बजानी बहुत अच्छी आती है। बजा बांसुरी क्यों, तानपुरा बजा, मृदंग बजा, लेकिन इस घर में नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया, जो भी बजाना है जंगल में जानवरों को चराते हुए बजाना, चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ खड़े खड़े क्या तकलीफ हो रही है, तू भी भाग यहाँ से। जय हो भोले बाबा जी, जय हो। अरे भोले बाबा, मेरे पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास अपनी बांसुरी है, मैं बांसुरी बजाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। बचाई है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सब मत सोचो, सिर्फ इतना महसूस करो कि इसके तान में कितना दर्द है। सचमुच ये बांसुरी कितनी अच्छी बजाता है। देखो ना, मेरे पाँव भी थिरकने लगे हैं। अरे गणपत भैया, जिंदगी में पहली बार बाजी जीता हूँ। जब तक ये बंसी पैसे नहीं देगा, मैं पत्ते नहीं बांटूंगा, नहीं बांटूंगा। अरे वो अंदर गया है, लागे तेरे सारे पैसे चुका देगा, पहले पत्ते बांट। नहीं बांटूंगा, मैं इस बंसी पर एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। चीता जी भाग गए। बंटाधार गणपत भैया, देखा बंसी की बदमाशी, लेकिन साला भाग के जाएगा कहाँ, मैं एक एक पैसा उसूल करके छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, लेकिन भोला भाग के क्या कहा, वो जंगल में भाग गए, जंगल में। हाँ, 120, 130, 140। अरे बंसी तू यहाँ, वो बटे से तो तेरे को ढूंढने गया। ये तेरा साला जी है ना, ये कहता तू तो भाग गया। क्यों भैया, कल के सूरदास तूने ऐसा बोला था क्या? मैंने तो जानवरों के बारे में बोला था जीजा जी। क्या हुआ जानवरों को? सबके सब जंगल भाग गए, मैंने रोकने की बहुत बहुत कोशिश की जीजा जी, मगर वो झूठ बोलता है।
हिस्सा मत मारिए। भोला से गलती जरूर हो गई होगी मगर ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या मैं इसकी सच्चाई का अचार बनाकर गांव वालों को बांटूं? इससे पहले कि गांव वाले मेरी खाल कीजिए मैं इसकी चमड़ी। सारा कसूर तेरा है। एक तो इस पागल कुत्ते को घर पर ले आई और ऊपर से उसकी तरफदारी करती है। मैं तेरी जी मेरी दीदी को मत मारिए। जी मत मारिए ना मेरी दीदी को। आप कुछ इतना मानो मुझे मारिए ना जीजा जी। मेरी दीदी को मत मारिए ना जीजा जी। नहीं जीजा जी। बंसी भैया चमत्कार हो गया चमत्कार। क्या हुआ? गांव के सारे जानवर जो जंगल भागे थे एक आदमी एक औरत उन्हें हार कर गांव वापस छोड़ गए और फिर दोनों अचानक गायब हो गए। लेकिन दोनों थे बड़े सुंदर। और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। चल भाग यहाँ से। नहीं यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने बाबा को वचन दिया था। बाप के साथ बेटी का हर वचन शादी के मंडप में जलकर राख हो जाता है और पति को दिया वचन शरीर के राख हो जाने के बाद भी निभाना पड़ता है। समझी? बोला जाएगा और जरूर जाएगा और तेरी बड़ी सर्दी रहेगी। अंदर। अरे दीदी के दुलारे चल भाग यहाँ से वरना दीदी की लाश को ले जाना पड़ेगा। चल भाग। नहीं 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 मैं चले जाता हूँ लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत कर। हाँ चल भाग यहाँ से। अरे भाग। चलो बांटो पत्ते। जी चल पैसे दे। देखिए मेरी बात मान लीजिए। अब और मत खेलिए। जिसने भी जुआ खेला उसका सर्वनाश हुआ। तो भाषण ही देती रहेगी या पैसे भी निकालेगी? चल। पैसे कहाँ है पैसे? सब कुछ तो अब जुए में हार गए हैं। ना कोई जेवर बचा है ना कोई बर्तन। घर को तो खाली कर दिया आपने। अब क्या बचा है? तेरा मंगल सूत्र। मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों? इसे बाप के घर से लाई है क्या है? जो चीज मैंने ही दी है उसे मुझे ही लौटाने से तू इनकार करेगी? आपने तो मुझे सिंदूर भी दिया है, क्या उसे भी लौटाने के लिए कहेंगे? नहीं, इसलिए कि पहने हुए सिंदूर की कोई कीमत नहीं होती मगर इसकी है। मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत एक सुहागनी बता सकती है। इसका मोल पैसों से नहीं लगाया जा सकता। इसका संबंध मेरी आत्मा और मेरी सांसों से है। और तेरी सांसों पर मेरा कब्जा है, इसलिए इस मंगल सूत्र पर भी मेरा कब्जा होना चाहिए। भगवान के लिए इसे मत ले जाइए। तो भाई लो अब लाया हूं असली सोने का मंगल सूत्र। पत्ते बांट, बादशाह निकाल। यह है ना मर्दों वाले बात बांचे। चला जा। अब बता बंसे तू हारा कि नहीं हारा? मैंने भी अपना घर दांव पे लगा दिया। पत्ते बांट, बेगम निकाल। देखे चलो साहब आज बंसे के बेगे भी निकाल देते। ये लो ले ले घर ले ले और हंस ले हंस ले गणपत। आज तेरा दिन है बेटा, हंस ले तू। अरे बंसी भैया इतना उदास क्यों है? अभी तेरे पास एक मौका और है। वो गया है मेरे पास तो अब दांव पे लगाने को लिए कुछ भी नहीं बचा। एक चीज हो गया चंपा। अरे बंसी तू अपनी बीवी को दांव पे क्यों नहीं लगा देता? हो सकता है तेरे पत्ते आ जाए। तेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे भी तो तेरी बीवी तेरे पास रहने वाली नहीं है, भाग जाएगी। इससे तो बेहतर है तू अपनी बीवी को दांव पे लगा दे। अरे बंजी
तेरी बीबी साक्षात लक्ष्मी है। तेरे घर आई, तेरी तकदीर पलट गई थी। लगा दे उसको भी दांव पे, हो सकता है तेरी किस्मत फिर पलट जाए। चलो लगा दिया चंपा को दांव पर, लेकिन पत्ते मैं बांटूंगा। पत्ते और क्यों नहीं, बोल क्या काम कर। गुलाम निकाल, गुलाम। शर्मनाती, दोस्त बनकर दोस्त को ही लूटते हो? लूटा नहीं, जीता हूँ। और तेरे भी भाइयों का है जो मेरा दरवाजा पर बंधी भी काय की है। वो दूध तो देती है मगर पाँव मारती है, और जब पाँव मारती है तो मुझे पीटता हूँ। अब तेरे पे मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। नीच जलील, तू क्या मुझ पर अधिकार जमाएगा? एक औरत पर सिर्फ उसके पति का अधिकार होता है। देखना मेरा अधिकार है या नहीं, या मैं तुझे अकेले में नहीं सबके सामने बताऊंगा। चल 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 चल, सबके सामने चल। सुनिए, बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए। क्या आपने मेरे साथ इसी दिन के लिए साथ फेरे लिए थे? क्या आज मेरी इज्जत लूटने वाली हो और अब बेहोश पड़े रहे? बताइए, क्या आपने इसी दिन के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरा था? इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे मार डालते और अपने हाथ से मेरा सिंदूर पोंछ कर मेरी लाश को इन भेड़ियों के हवाले कर देते। और इस मरे हुए पौधे पर तू आंसू टपका या खून, ये कभी जिंदा नहीं होने वाला। ये तुझे बचा नहीं सकता और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। छोड़ूंगा क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, निचोड़ने के बाद। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। आप सब इसी गांव के हैं और मैं इस गांव की इज्जत हूँ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। इन सब में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सब होकर का तमाशा देखने वाले हैं, अपनी आंखें सेकने वाले हैं। चल। अरे बेशर्मो, हंसने से पहले अपनी माँ और बहन को याद कर लो। शायद तुम लोगों की आंखों का पानी मर गया है, वो जिंदा हो जाए और तुम लोगों को यह एहसास हो जाए कि अगर आज मुझे कुछ हो गया तो बदनामी होगी औरत जात की और आप आप पहचानी जाएगी तुम सबकी। तुम लोग इंसान नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। आजकल राक्षस भी भगवान बन गए और आज से मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान, सिर्फ तुम्हारा। हे कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो तुम? हाँ, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तुम आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बहन थी। मैं अनाथ हूँ इसलिए आज तुम्हारा आसन नहीं डोला है ना। लेकिन याद रख, अगर आज मेरी लाज लुटी और तुम यूं ही पत्थर बने सब कुछ देखते रहे तो तुम भी कायर कहलाओगे, तुम भी बदनाम हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई भगवान नहीं मानेगा, कोई भगवान नहीं मानेगा।
है तेरे जीजाजा का नहीं, मेरा घर है, मेरा। जीजाजी का है। अबे भोले, तेरा जीजा अपनी चिता जलाने के लिए कहीं लकड़ियां ढूंढने गया है, वो सब कुछ हार के इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। और मेरी दीदी? वो मर गई है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहा है ना? बोला ये झूठ बोल रहा है? नहीं, ये सच बोला है। तुम्हारी दीदी ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। नहीं, मेरी दीदी मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरी दीदी मर नहीं सकती। दीदी, बाबा भोलेनाथ, वो लोग कहते कि मेरी दीदी मर गई, वो झूठ बोलते ना? वो झूठ बोलते ना बाबा भोलेनाथ? तुम बोलते क्यों नहीं भोलेनाथ? अगर मेरी दीदी मर गई भोलेनाथ, तो मुझे भी मार डालो। मेरे इस दुनिया में मेरी दीदी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम मेरी दीदी को मेरे पास नहीं लाए बाबा भोलेनाथ, तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा। तुम जिंदा हो? हाँ, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। दीदी, दीदी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना? हा? नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हम रहेंगे कहाँ दीदी? जीजा जी तो चले गए, और वो गणपत बोलता है कि वो घर उसका है। तू घबरा मत, भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो चल मेरे साथ। दीदी, ये देखो, खोलो उसे। ये सब तुम्हारा है भोला? नहीं दीदी, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक दे दो जिससे मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां बनवा दूंगा। हाँ भोला, तू सचमुच भोला है रे। तो इसमें से एक ले लूं? ये सब तुम्हें लेना पड़ेगा। कल रात भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर से मिट्टी हटाना और यहाँ से जो कुछ भी मिले वो सब भोला को दे देना। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई दीदी? इसलिए कि अगर किसी तरह ये बात तेरे जीजा जी तक पहुंच जाती तो ये सब चूहे में हार जाते। अरे हार जाते तो हार जाते, मगर जब तक वो खेलते रहते तब तक पैसों के लिए तुम्हें तो नहीं मारते ना दीदी? भोला, बाप रे बाप, इतना बड़ा दीदी? दीदी ये हवेली नहीं, हवेला है हवेला। अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। मैं ढेर सारे भैंस पालूंगा, एक तबेला बनाऊंगा, इतना बड़ा तबेला। तुम यहाँ? कौन है ये दीदी? हमारा नाम प्रीतम है, हम गंगा के उस पार रहते हैं, मगर अब इस पार आ गए हैं नौकरी के लिए। हमें नौकरी दे दो साहब। पहले क्या करते थे? पहले हम जोर की गुलामी करते थे। अब हम नौकरी करना चाहते हैं। नहीं भैया, हमारे पास नौकरी वोकरी तो नहीं है। लेकिन भोला, इतनी बड़ी हवेली में कामकाज करने के लिए नौकर रखना जरूरी है। अरे मैं किस लिए हूँ दीदी? सिर्फ बैठ बैठ कर खाना खाने के लिए और बांसुरी बजाने के लिए?
तुम आराम से रानी की तरह यहाँ राज करना, सारा काम मैं कर लूंगा। जाओ भैया जाओ, तुम कहीं और जाओ। लेकिन आप जैसे बांसुरी बजाने वाले, अगर बांसुरी को फेंक कर झाड़ू पकड़ लेंगे तो ये आपकी बांसुरी की बेइज्जती नहीं होगी? क्या तुमने मेरी बांसुरी की धुन सुनी है? हाँ धुन सुनी है, तभी तो लहरिया सराय गांव से लहराते हुए सीधे चले आ रहे हैं। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हम इसे नौकरी पे रख लेते हैं, तुम्हारी नौकरी पक्की। दीदी तुम इसे घर का सारा काम काज बता दो। एक मिनट, ये मेरे बांसुरी का भक्त है। पागल हो गए हो क्या? अगर पागल ना होता तो यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे भागा क्यों चलाता और नौकर क्यों बन जाता? हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, अगर थोड़ी देर के लिए हम दोनों दूर हो जाते तो इसमें पागल होने की क्या बात है? मैं तुम्हें हर पल अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। दीदी अरे तो सब काम समझा दिया ना? अरे भोला ये बहुत समझदार है, बिना बताए उसने सारा काम खुद ही शुरू कर दिया। हाँ इसने कोई सुस्ती तो नहीं दिखाई ना? हाँ ये बहुत तेज है। अच्छा हाँ देखो, ऐसे ही तेजी दिखाना और जम के काम करना ताकि मेरी दीदी को कभी भी कोई भी तकलीफ ना हो, समझे? अब मैं सुनाऊं? काम तो करने दो, बहुत काम है। मुझे डिस्टर्ब मत करो। मोती मैंने कहा ना मुझे, थैंक यू। तुम्हारी रंग असली है? बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। तुम्हारी पंख कहाँ है? क्या पंख? तुम परी हो ना? परी? हाँ परी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पागल। आओ बेटी काम नहीं। आओ बताओ ये गांव कैसा लगा? डैडी मजा आ गया। गांव तो गांव, यहाँ के लोग भी बड़े मजेदार हैं। हाय अंकल। आओ विक्रम, वेलकम वेलकम। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम बेवकूफ लग रहे हो। विक्रम वैसे बेटी ने ये बात सही कही है। बेवकूफ मतलब फूलिश। अंकल सुना है बेवकूफ आदमी अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। ये बात भी सही है। अंकल आप भी तो बहुत अच्छे हस्बैंड थे ना। चुप है, काम की बात कर। ओके अंकल, ये लीजिए 4,50,000। वाओ, आपने जितनी भी जानवरों की खाने दी थी हमने फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी और ये है आपका शेयर। शाबाश विक्रम। अंकल मैं इन खालों को कब तक छूता रहूंगा? काम नहीं, मेरी शादी अब जल्दी कर दीजिए। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बकवास एनीमोर। डोंट वरी विक्रम, कामनी की शादी सिर्फ तुमसे होगी।
बड़ी से बड़ी तेरा हाथ न छोड़ूंगी, मैं हूँ तेरी हथकड़ी, तेरे प्यार को न टहलूंगी, तेरे पीर को न छोड़ूंगी, सुन ले ले मेरी जिद है, मैं तेरी जिद को तोड़ूंगी, तोड़ूंगी मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगी, मैं हूँ तेरी हथकड़ी, हड़ी हड़ी तेरा हाथ न छोड़ूंगी, मैं हूँ तेरी हथकड़ी, भोला क्या हुआ भोला? सर चकरा रहा होगा, है ना भोला? हाँ दीदी, सर 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 चकरा रहा है। मतली भी आ रही होगी। हाँ ये भी आ रही है। भोला तू ऐसा कर कुछ खा ले, कभी कभी भूख से भी ऐसा होता है। तू क्या खाएगा, मीठा या नमकीन? खट्टा खाने को जी कर रहा होगा ना भोला? अरे हाँ हाँ दीदी हाँ, यह खट्टा ही खाऊंगा। अब चल उठ। अरे ये क्या हा? तेरा बदन तो तप रहा है, लगता है तुझे ताप हो गया है। मैं वैद्य के पास जाकर दवा लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा तू आराम कर। प्रीतम तुम सब्जी काट कर तैयार रखना, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ। तुम्हें ऐसे मजाक करने की क्या जरूरत थी हा? साले बहनों में तो ऐसा ही नाटक चलता। अच्छा ठीक है, तुम भोला का ध्यान रखना। भोला घबरा मत, धूप में रहने से बदन गर्म हो जाता है। धूप में रहने से नहीं, वो परी के साथ था ना, इसलिए बदन गर्म हो रहा है। कौन सी परी? नाम नहीं मालूम उसका, लेकिन थी वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल भैंस के दूध की तरह उजली उजली, पर उसके पंख नहीं थे। जरूर उस राक्षस ने काट डाला होगा। बोला तू वाकई भोला है? अटेंशन, वो चंपा है ना, चंपा। उस्ताद तेरे को चढ़ गई है भंग और कर रही है तंग। अरे एक बाजू ऊपर जाते हैं वो नीचे नजर नहीं आते हैं। अरे चंपा को मरे हुए कितने दिन हो गए, ये चंपा कैसे हो सकती है? भोला भोला भोला, कौन हो तुम? बोल गई। मैं वही हूँ जिसका चंगुल से छुटकर तुम यहां तक पहुंचे हो। वैसे मेरा नाम गणपत है, गणपत। याद आ गया ना? हाँ याद आया कि हर आदमी इंसान नहीं होता। और अगर मुझे कोई राक्षस कहे तो उसमें मुझे और भी मजा आता है। लेकिन जब वही औरत नागिन बन जाएगी तो तेरे लिए वो जिंदगी से भी बदतर सजा बन जाएगी। अगर जिंदगी की सलामती चाहता है तो चुपचाप वापस चला जा। मैं महाभारत के कौरवों की तरह कायर नहीं जो द्रौपदी की इज्जत एक बार नहीं लूट सके तो तुम्हारी कोशिश भी नहीं करे। मैं तो एक सीधा साधा राक्षस हूं जो आखिरी सांस तक भी तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बिल्कुल नागिन की तरह चिकनी हो गई है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब बोल। अब तुझे बचाने के लिए यहां तेरे पकवान के मोटे में आया, समझी? तू फिक्र मत कर दीदी, मैं आ गया हूं। क्यों रे गणपत, मेरी दीदी को तू? अबे भोले, पेड़ का पत्ता चलते हुए पहाड़ का रास्ता नहीं रोकता, समझे? छोड़ मुझे। नहीं भोला, ले जाके बंद कर दो इसे। छोड़ मुझे। मेरे चंपा रानी कहां थी इतने दिनों से?
भोला को बचाने के लिए तुम्हें उन लोगों को डस लेना चाहिए था। नहीं प्रीतम, उसके लिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ता। अगर भोला को पता चल गया कि मैं उसकी बहन नहीं तो उसे कितना दुख होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज तलवार चलाते हो। इतनी तेज चलाते हो कि जिसकी गर्दन कटने वाली हो उसको तो पता ही ना चले कि उसकी गर्दन कट गई है। अरे चल चल, बातें मत बना, शुरू हो जा। शाबाश बोला। ये क्या भोला, तुम भी छोकरी की तरह गिर गए? जैसा चेला वैसा गुरु, दोनों के दोनों पक्के बुद्धू। आप लोगों ने सबको मार दिया? क्यों मार दिया? ये बेचारे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। आपको ये अच्छे नहीं लगते क्या? लगते हैं ना। तो फिर क्यों मार दिया इन सबको? जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही चीज जब मेरे से दूर भागने लगती है तो मैं उसे गोली से मार देता हूँ। गोली मार देने से वो चीज जिंदा तो नहीं मिलेगी? हमारे लिए तो मुर्दे भी काम में आ जाते हैं। पिताजी कहते थे कि मुर्दे जिनके काम आते हैं वो गीदड़ या कुत्ते होते हैं जो बाद में पागल हो जाते हैं। शट अप। पिताजी ये भी कहते थे कि पागलपन का एक ही इलाज है, हरी सब्जियां खाते रहना, लेकिन हरी मिर्च मत खाना। हाँ यू गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। पिताजी ये भी कहते थे कि आदमी को गुस्से से नहीं प्यार से काम लेना चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज है, आदमी तो आदमी जानवर भी दोस्त बन जाता है, इसलिए तुम मेरे सारे जानवर दोस्त हैं। तुम्हें तो देखकर ही ऐसा लगता है कि जानवर ही तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। और दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं, पक्के दोस्त। एक बार बुलाओ तो दौड़े चले आएंगे। ठीक है, जरा बुलाकर तो दिखा। मैं गाता हूँ, चले आओ मैं।
सारी दुनिया को मैं समझाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्त के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, जंगली जानवर, तूने मेरी गर्दन पे हाथ डाला है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विक्रम, इसे मत मारो। डरो मत मेरी जान, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। गवाह लड़के के लिए तुम्हें इस तरह का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। गवाह हो तुम? तुम जैसा उजड़ कमीना जलील इंसान पहले कभी नहीं देखा। क्यों, अपने बाप को नहीं देखा? शट अप, ले जाओ इसे। अफसोस तेरी खाल बिक नहीं सकती, वरना दूसरे जानवरों के साथ तेरी खाल खिंचवा देता। चलो। बोला, तुम्हारी दशा किसने की? दीदी, वो लोग बहुत सालिम लोग थे, उन लोगों ने सब जानवरों को मार डाला। मैंने उन जानवरों को बांसुरी बजाकर बुलाया था, मेरे कारण उनकी मौत हुई। दीदी, अब मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, कभी नहीं बजाऊंगा। मैं देखती हूँ। कहिए, भोला यही रहता है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कामनी हूँ, सेठ लालचंद की बेटी। भोला से क्यों मिलना चाहती हो? मैं उसे बांसुरी देने आई हूँ। हाँ, लाओ, मैं उसे दे देती हूँ। मैं भोला से मिलना चाहती हूँ। क्यों? मैं उसे प्यार करती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यार की वजह से तुम्हारे पिताजी और विक्रम भोला के जाने दुश्मन बन जाए? क्या तुम चाहती हो कि इस बांसुरी की तरह भोला के दिल में भी सुराख हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर भूल जाओ उसे। क्या? हाँ, भूल जाओ उसे। कौन थी वो? भोला की परी। यहाँ क्यों आई थी? वो भोला से प्यार करती है, वो उसे मिलने आई थी। तो फिर उसे मिलने क्यों नहीं दिया? उसके बाप का नाम है सेठ लालचंद, और जानते हो उसके बाप का गुरु कौन है? कौन? अघोरी। जय त्रिकाल देव। जय गुरुदेव। पधारिए पधारिए विक्रम जी, इनके चरण स्पर्श करो, ये हमारे गुरुदेव हैं। जय हो महाराज। सर्वनाश से बचना है तो अघोरी के पांव छूते रहो। महाराज, आपने आने से पहले खबर नहीं की? क्या तुम मौत से भी कहेगा कि खबर करके आओ? मौत और बदतमीजी, दो ही ऐसी चीजें हैं जो बगैर खबर के आते हैं।
मैं यहाँ इच्छाधारी नाक और नागिन के लिए बदनसीबी बनकर आया हूँ। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं, इसी इलाके में। आई हेयर इच्छाधारी नाग नागिनास वेरी पॉइजनस। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? जितनी मेहनत तूने इस भाषा को सीखने में लगाया है, अगर उतनी ही मेहनत सांपों का मंत्र सीखने में लगा देता तो तेरे चारों तरफ आज साफ ही साफ होते और सांप की खाल बेचने की दलाली न करनी पड़ती। इच्छाधारी नाक और नागिन वो दोनों यही कहीं हैं। हे, तुमने इस इलाके में किसी सांप को देखा है? नहीं नहीं नहीं, शमशान घाट के मुर्दों की आंखें धोखा खा सकती है लेकिन अघोड़े की आंखें नहीं। तो मुझे बांसुरी देने आई थी ना, वो मुझे मिल गई। मैं तुम्हारे लिए खरगोश लेके आया हूँ। यू आर अ फूल। तुमने मुझे फूल कहा? बहुत बहुत मेहरबानी। तुम बेवकूफ हो। जिस घर में खतरनाक जानवर और जहरीले सांपों की खाल बेचने वाले लोग रहते हैं वहां तुम ये नन्ही सी जान लेकर आ गए। इडियट। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुमने अंग्रेजी में मुझे गाली दी है, लेकिन तुम भी इतना समझ लो कि मैं ठेठ देहात का रहने वाला हूँ। मैं ऐसी ऐसी हिंदी में शुद्ध गालियां दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी गंदी हो जाएंगी। हाँ, यू शट अप, यू शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस। आओ भोला। आओ भोला। भोला मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें गाली सुननी पड़ी। तुम्हारे गाली क्या, मैं तो गोली भी खा सकता हूँ। देखो बानो, अगर इसे लालचंद यहां पहुंच चुका है और उसे यह भी मालूम पड़ चुका है कि हम लोग इसी इलाके में हैं। अब हमारे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नहीं प्रीतम, नहीं, हम भोला को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए हमें अपनी जाने क्यों नहीं देनी पड़ जाए, ताकि दुनिया वाले ये जान सके कि नाग और नागिन की आंखों में दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त की तस्वीर भी कभी नहीं मिट सकती। बानो प्रीतम, आज तलवार लेकर जल्दी आ गया? एक नौकर होकर तेरी ये मजाल, तूने मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत की? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। भोला जाने दो उसे, गुस्से में। अरे अरे, मैंने चोरी नहीं की, मुझे माफ कर दो। जी, मैंने चोरी नहीं की, मैं भोला हूँ। भोला, मैं भी भोला हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे जी, देखिए तो सही, मैं भोला हूँ। आपका भोला? भोला तू? भोला जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो गणपत ने मुझे बहका दिया था, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पाप पड़ रहा हूँ। भोला क्या कर रहे हैं आप? मुझसे बड़े और आप मेरे पाँव छू कर मुझे आप पापी बना रहे? अरे तेरे पाँव छू के मैं अपने पाप धोना चाहता हूँ। पापी मैं हूं, तभी तो मेरी हालत भिखारी जैसी हो गई है, लेकिन तेरी हालत तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ जीजा जी, अब हमारे पास बहुत बड़ा घर भी है और बहुत रुपया भी। हाँ रुपया भी है? हाँ हाँ। भोला मेरे को एक सिर देसी घी के लड्डू दिला दे, बहुत भूख लगी है। हाँ जीजा। अरे हलवाई भैया, जीजा जी को एक सिर देसी घी के लड्डू तोड़ के दो जल्दी। जी अच्छा। भोला तू सचमुच मिठाई का गोला है, मेरे कारण तेरी दीदी मर गई लेकिन फिर भी तूने मुझको माफ कर दिया, मुझको माफ कर दिया। ना 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 ना, ना जीजा जी, दीदी मरी नहीं, दीदी जिंदा है। जिंदा है? हाँ। देख भोला, तुझे मेरी छाती में मारना है तो छाती में मार। अरे जीजा जी, क्या उल्टा लटकाना है तो उल्टा लटका ले। जीजा जी क्या हो गया? लेकिन मुझे बेवकूफ मत बना, सच बता तेरी दीदी जिंदा है? हाँ जीजा जी, वो दरिया में कूदी जरूर थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तो घर में है। आप चलो घर तो चलो चलो चलो। हे भगवान, घर, बीवी, रुपया, सब मिल गए। लगता ऊपर वाले ने तीनों इक्के मेरे हाथ में दे दिए। क्या जीजा जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। साहब लड्डू। अरे चुप लड्डू, अब मैं और भोला अपनी मिठाई की दुकान खोलेंगे, क्यों साले साहब? हाँ, जीजा जी। हाँ। दीदी भोला,
तो आ गया। हाँ, और देखो मैं किसे लाया हूँ, जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। जो ताश के पत्तों की तरह अपनी पत्नी को बांटकर अपने दोस्तों के सामने फेंक दे, वो इस लायक भी नहीं होता कि उसे घर लाया जाए। चंपा, चाहे मैं कितना ही कुत्ता, कमीना, उल्लू का पट्टा हूँ, फिर भी हूँ तो तुम्हारा पति ना। और पति पत्नी का रिश्ता तो मर के भी नहीं टूटता। और मैंने तो सोचा तुम मेरे आते मेरे चरण धोगी। हम धोएंगे जरूर, मगर तुम्हारे चरणों को नहीं, इस घर को, जो तुम्हारे गंदे कदम पड़ने से गंदा हो गया। जी जी, इनको माफ कर दो। जिस दिन इसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, उसी दिन से वो इसके लिए मर गई। तुम्हारा अपनी पत्नी से ना कोई रिश्ता है ना अधिकार। अरे वाह, क्यों नहीं रह गया अधिकार? पांडव भी तो द्रौपदी को हार गए थे, फिर भी उनका अधिकार रह गया था, क्यों भोला? दीदी, जीजा जी यही रहेंगे? नहीं भोला, ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेंगे, जब वो प्रीतम इस घर में रह सकता है तो जीजा जी क्यों नहीं यहाँ रह सकते? चलिए जीजा जी, आइए। ठीक है, रख लो, एक देसी कुत्ते को रखने से घर का खर्चा नहीं बढ़ जाता। कुत्ता? आप आओ ना। कौन कुत्ता? तुम्हारी शुरू से आदत रही है, जब भी गुस्से में होती हो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने तो कई महीने से इतना मजेदार खाना खाया ही नहीं। जी चाहता हाथ तुम्हारा मुंह। कौन है ये? मैं हूँ चंपा का धर्मपति, तू कौन है? ये हमारा नौकर प्रीतम है। ये नौकर चाकर की क्या जरूरत है, चलो उठाओ इसको, भोला घर का सारा काम संभाल लेगा। हाँ, मैं हूँ ना। भोला को इस घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तो मैं कर लूंगा घर का सारा काम। तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। गोबर भी घर के पोतने के काम आ जाता है, मगर तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। यहाँ रहना है तो चुपचाप खाओ और घर में पड़े रहो, लेकिन प्रीतम इस घर से नहीं जाएगा। मैं समझी, वो आ गया। हाँ भाई, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। अब तो तुम्हारे इस घर में दो दो पति हैं। इंसान बनने का सबसे बड़ा यही फायदा है। क्यों, अब तुम भी तो इंसान बन गए हो, रख लो हजारों औरतें। हाय, हजारों औरतों में इतना नशा कहाँ, जो इस नागिन की नशीली आंखों में। अभी वो बंसी घर में ही है, कहीं उसने देख लिया तो आफत आ जाएगी। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, मेरा जी तो चाहा था कि उसकी हड्डियों में जहर भर दो। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भोला ने हमें नई जिंदगी दी है, बदले में हमें उसे नई जिंदगी देनी चाहिए। ऐसी जिंदगी जिसे जीते हुए वो जमाने से लड़ सके। प्रीतम, जरा सोचो, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारे सिवा कौन है जो उसका ख्याल रख सके? बाबा, इसमें 100 नागों का निचोड़ा हुआ जहर है। 100 नागों का जहर, इससे तो मेरा एक दांत भी कीला नहीं होगा, फिर भी पी लेता हूं। बहुत अच्छा है। जगन जी, तुम लोगों ने कितने सांप पकड़े? 500 से ऊपर महाराज, लेकिन इच्छाधारी एक भी नहीं। अगर इच्छाधारी नहीं तो उन्हें जिंदा क्यों रखा गया? मार डालो उन्हें, विष निकालो उनका और उनके खाल उधेड़ कर सेठ लालचंद को दे दो। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। बाबा, मैं अपनी बेटी कामनी की शादी विक्रम से करना चाहता हूं, मगर वो किसी गंवार लड़के से प्रेम करने लगी है, यही मेरी चिंता की वजह है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। इधर तुम्हारी बेटी की शादी हुई, तुम्हारी चिंता खत्म, और उधर उस गंवार लड़के की चिता जलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ मेरी बीवी इतनी सुंदर हो गई है, तुझे कच्चा खा जाने को दिल करता है, बिल्कुल स्वर्ग की मेनका जैसी। और तू चिड़ी का दुग्गी है, निकल जा यहाँ से। ए,
तो कुड़क मुर्गी की तरह बहुत बोलने लगी, मैंने सब बर्दाश्त किया। जाने कहां से पैसे टपक पड़े तो नखरे दिखाने लगी। लेकिन याद रख, पुराने जूते पर सोने के बटन लग जाने से मैं जूता पहनने का तरीका नहीं भूल जाऊंगा। मुझे तुझे ठीक करना बखूबी आता है, समझी? हम कहते हैं दफा हो जाए यहां से, वरना वरना क्या कर लेगी तू? चल सीधी तरह मेरे पास आ जा, वरना अपना पुराना हाथ दिखा दूंगा। फिर तू जितना चीखेगी चिल्लाएगी कोई तेरी मदद करने को नहीं आएगा। वो तेरा भाई, वो सोचेगा कि दीदी और जीजाजी में प्यार हो रहा है और सर पर चादर ओढ़कर सो जाएगा। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। ताकत होकर तेरी हिम्मत की तू मुझ पर हाथ उठाए? जानता नहीं मैं इस घर का दामाद हूं? दामाद की दामादी खातिर तो होनी चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया, मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा कमीने। ए भोला, ए प्रीतम, तूने मेरे जीजाजी पर हाथ उठा? निकल जा मेरे घर से। नहीं भोला, ऐसा मत करना। ये तो मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था दीदी। अब इस घर में या तो ये प्रीतम रहेगा या मैं। हाँ नहीं भोला, तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर का नौकर हूं, मैं ही यहां से चला जाता हूं। मत्रो बानो, मत्रो। प्रीतम, इस दुनिया के खेल बहुत निराले हैं प्रीतम। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मजबूरी है बानो, पहली बार हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। बानो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं कल जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। भोला का ध्यान रखना। मुझे लगा यहाँ तू किसी मर्द से बातें कर रही है, इसीलिए मैं देखने चला आया।
तुझे रात की रानी बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डर गई और डर के छुप गई। अरे जब हम गुस्से में आते हैं तो बड़े बड़े डर कर कांप जाते हैं। चंपा चमेली तो चीज ही क्या है। Thank you.
को मत मारो, मैं तुमको नहीं देखा था, वो सांप। क्या लगता है? जल्दी बोलो। मैंने अपनी आंखों से चंपा को सांप का रूप धारण करते देखा था, वो मुझे मार डालेगी, मुझे डस लेगी, मुझे बचा लो। मैंने चंपा को सांप का रूप धारण करते देखा था। अब वो तुझे नहीं डसेगी, तेरी चंपा तुझे मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। पौधों के लिए पानी और इंसान के लिए जहर, मेरा ये नाटक अखौरी को कभी छल नहीं सकता। जो पौधों को पानी देती हो वो इंसानों को जहर नहीं देती। क्या तुम्हारे नाक ने हमारे सपेरों को नहीं देता था? क्या वो इंसान थे? क्या तुम इंसान हो? इंसान वो होता है जिसके सीने में दिल हो। बेवकूफ हो तुम। दिल सीने में खून साफ करने का एक यंत्र होता है जो हमारे सीने में भी है। लेकिन वो भी खराब हो चुका है, वरना तुम्हारे खून में जो जहर मिल चुका है वो जरूर साफ हो जाता। अगर ऐसा होता तो तू मुझे डस लेती और मैं मर जाता। लेकिन अब अगर मैं तुझे डस लूं तो इसी वक्त तुम मर जाएगी। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे पिटारी में बंद करके अपने साथ ले जाऊंगा। अघोरी, आगे मत बढ़ना, नागिन के इंतकाम की कहानी मत भूल जाना। जब कोई मुझे धमकी देता है तो मेरे जिस्म के जहर में उबाल आ जाता है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अघोरी, भानु को अकेला मत समझना, तुम भी आ गए। आज त्रिकालदेव मुझसे बहुत प्रसन्न है। अब कई तपस्या से मैंने इतनी शक्ति अर्जन कर ली है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। और आज मैं तुम दोनों को पिटारी में बंद करके ले जाऊंगा। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। अघोरी, इंसान जब तेरी तरह राक्षस बन जाता है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। उसका यही पागलपन उसके लिए कफन बन जाता है। कपास का कोई भी पौधा आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसकी रुई से अघोरी का कफन तैयार किया जा सके। चंद्र ग्रहण की रात तुम दोनों को पिटारी में बंद करके मैं शेषनाग के पास ले जाऊंगा और उस दिन मेरी तपस्या पूरी होगी और मैं अमर हो जाऊंगा हमेशा के लिए। दिल में गंदगी लेकर पैदा होने वाला इंसान कभी अमर नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, मैं अपनी तपस्या की शक्ति से अमर बन के दिखाऊंगा। जय दुर्गा। नहीं, जिंदा हूं और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम लोगों की फन मेरी मुट्ठी में होगी और तुम लोगों की जान मेरे उंगलियों के निशाने पे होगी। मैं जरूर वापस आऊंगा, जरूर। मनाने खुशियां, तेरा भक्त आज हार गया है, हार गया है। महाराज, जिस भोला ने नागन को बचाया था वो आजकल इसी इलाके में। ठहरो, कहां जा रही हो? भोला से मिलने। उस उज्जड़ गंवार से मिलने? क्यों? इसलिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। खामोश, तुम्हें मेरे सामने खुलेआम प्यार की बात करते हुए शर्म नहीं आती?
लोगों को जब निर्दोष जानवर मारकर खुलेआम उनकी खाल बेचते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे किस बात की शर्म? काम नहीं, आजकल तुम्हारी जबान चाबुक से भी ज्यादा तेज चलती जा रही है, उसे काबू में रखो। याद रखो, इस खानदानी कोठी के भी अपने उसूल हैं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ विक्रम के साथ। क्यों होगी उसके साथ? इसलिए कि हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि आपको विक्रम से फायदा होता है? हाँ, हमें फायदा है, बहुत फायदा है। तुम्हें इससे क्या करना है? जो बाप अपनी बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कोठी में नहीं कोठे पे रहना चाहिए। डैडी, खाल खिंचवाने की आपकी आदत भी है और आपका बिजनेस भी। अगर आप मेरी खाल भी खिंचवा देंगे तो अभी मैं विक्रम के साथ शादी नहीं करूंगी। करनी पड़ेगी। अब तू उस घर के बाहर उसी दिन कदम रखेगी जिस दिन तू डोली में बैठकर विक्रम के घर जाएगी। अगर वो डोली विक्रम के घर गई तो उसमें से मैं नहीं मेरी लाश निकलेगी। नमस्ते बाबा जी। आप उस तरह के बाबा जी है ना जो थप्पड़ मार के आशीर्वाद देते हैं, मालूम है। मैं जिंदगी लेकर आशीर्वाद देता हूं। तुम कोई बाबा नहीं हो। काल हूं मैं तेरा, बाबा नहीं। बदन में अगोरी का जहर है। भोला को बचाने का और कोई रास्ता नहीं। इसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसके लिए जान दे दूंगी। नहीं भानु, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रीतम, एक पत्नी के लिए विधवा बनकर जीने से तो अच्छा है कि वो सुहागन की मौत मरे। मुझे मत रोको प्रीतम, तुम्हें मेरी कसम। अगर भोला और भानु की जान नहीं बचाई तो आज यहां नाचते नाचते सर टकरा कर मैं अपनी जान दे दूंगा।
कौन हो? हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। तो फिर क्या मेरी दीदी मर? नहीं, वो जिंदा है। तो फिर मेरी दीदी कहाँ है? वो नदी में कूद गई थी, हमने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। उसके बाद वो बहुत बीमार हो गई। अब कैसी है वो? अच्छी है। कहाँ है वो? आओ हमारे साथ, तुम्हें उससे मिला देते हैं। आओ चंपा। तुम अपनी बहन की बीमारी के बारे में सुनकर परेशान ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें चंपा के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने ये फैसला कर लिया था कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपको मिलवा देंगे। बोला आज इन्हीं की मेहरबानी से हम लोग एक दूसरे से मिल सके। तुम दोनों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। हाँ दीदी, दीदी ये लोग हमारी वजह से बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। अच्छा। हाँ दीदी, अब मैं इस लायक बनूंगा कि मैं अकेला ही तुम सबकी रक्षा कर सकूं। ठीक है भोला, इसमें हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि बड़े से बड़ा राक्षस भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। लालचंद की बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए ये देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। जाओ, इस इलाके में जितने भी नाचने गाने वाले हैं उन सबको हमारी तरफ से ये कहो कि उन्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। वो हमारी बेटी की शादी में आए, नाचे गाएं, धूम मचा दें। जाओ। बोला जी, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया, अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई। इस वक्त अगर बाबूजी जिंदा होते तो तुम्हें इस रूप में देखकर कितने खुश हुए होते। लेकिन अब एक और परीक्षा देनी बाकी है। आज शाम को कामनी की शादी विक्रम से होने वाली है। अरे ये कैसे हो सकता? बोला इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना। लेकिन दीदी ये बोला, हम वादा करते हैं कि कामनी की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे।
खासने के लिए न्योता दिया था सेठ लालचंद ने, हाँ किसी नागिन को नहीं। हड्डियों के अंदर के मांस को देख लेती है मेरी आंखें। रूप बदल कर तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तू इच्छाधारी नागिन है तो मैं मृत्युधारी घोड़ी हूं, जब चाहूं तेरी सांसों पर गांठ बांध सकता हूं मैं। अघोरी, जो पहली सांस लेने की छूट देता है वही आखिरी सांस पर रोक लगा सकता है। तू क्या है, तेरी औकात क्या है? इधर की आंखों में तेरे लिए जो लाश को जलाने से पहले कफन को जला देती है, ये तेरा कफन, ये नकली रूप, सबसे पहले मैं इसका अंत करूंगा और सबके सामने तेरा असली रूप लाऊंगा। उसके बाद तेरा फन मेरी मुट्ठी में होगा। जय त्रिकाल देव।
जय त्रिकाल देव। अघोरी बाबा, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आपने मेरी बीवी को नागिन बना दिया। ये तेरी बीवी नहीं, इच्छाधारी नागिन है। ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। शमशान घाट के मुझे निकाल दो, इसका करे जवाहर। अरे बाबा, पहले मेरी बेटी कामनी की शादी तो करा दे जाइए। किसी की शादी नहीं हो सकती। चंद्र ग्रहण की रात है आज, तेरे चांद पर भी ग्रहण लगा हुआ है। सेठ जी, सेठ जी, भोला कामनी जी को उठा के ले गया है। क्या? ओह नो, ठहरो। शमशान घाट के मुर्दे ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं, सब कुछ शेषनाथ के मंदिर में मिलेगा। आओ मेरे साथ। मेरी इच्छा नहीं पूछी, लेकिन आज एक शमशान घाट के मुर्दे ने पूछ लिया। तो सुन, मेरी इच्छा है कि इंसानों की खोपड़ियां इतनी जमा करूं कि उनका एक पहाड़ बन जाए। फिर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैं हंसूं, नाचूं, इतना नाचूं, इतना नाचूं कि खोपड़ियां चूर चूर होकर मिट्टी बन जाए। शमशान घाट के मुर्दों, आगे भाग के देखते जाओ।
इन बक्सों में से मूर्ति के तीनों भागों को बाहर निकालो और जाओ। थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और मेरी साधना पूर्ण होने की घड़ी भी आ जाएगी। मैं संसार का सबसे धनवान इंसान बन जाऊंगा। उसके बाद शेषनाथ की अमर ज्योति में स्नान करके मैं अमर बन जाऊंगा। अमर। अगर संसार का यह नियम है कि पापी कभी अमर नहीं होते, बल्कि जब पाप बढ़ जाता है तो वही पापी के सर्वनाश का कारण बन जाता है। ये ठीक कह रहे हैं अघोरी, तू अपनी राक्षसी इच्छा त्याग दे वरना तेरी यही इच्छा तेरी मृत्यु बन जाएगी। अघोरी की मृत्यु का शब्द किसी के मुंह से बाहर निकलने का अर्थ है उसके शरीर से दम का बाहर निकल जाना हो। अघोरी चलाओ मत, अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। चंद्र ग्रहण के आरंभ होते ही तुम दोनों जानवरों की तरह रेंगते हुए शेषनाग की मूर्ति के पास आओगे। हम तेरी मौत के समय की तरह यही अटल रहेंगे। एक ही झटके में जिंदा सांपों की खाल खींच लेता हूं मैं। बहुत भयानक मौत मारूंगा तुझे। मौत से हम नहीं डरते, तू डरता है। तू इसीलिए तो तू अमर होना चाहता है। हाँ हाँ मैं अमर होना चाहता हूं। फिर मृत्यु को भी मुझसे डरना होगा। शमशान घाट के कौवे बहुत चीखते हैं मगर उनमें भी शक्ति बहुत थोड़ी होती है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमें यहाँ से जिंदा शेषनाग के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ले जाने की, तुम खुद शेषनाग के पास चलकर जाओगे। फकीरा अघोरी, अगर चंपा को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। चिल्लाया चिल्लाया मुर्दा कफन फाड़ के चिल्लाया, शमशान घाट के मुर्दों अगर मेरी बात नहीं माने तो। नहीं मानिएगा इसकी कोई भी बात। जानती है क्या सलूक करूंगा मैं तेरे साथ, तेरे खून से मंदिर का फर्श धो डालूंगा। अच्छा है, मेरे खून की हर बूंद काम आएगी। जिंदा चला डालूंगा तुझे। मैं समझूंगी कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ वरना बहुतों को तो मरने पे भी आग नसीब नहीं होती। जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। मैं समझूंगी कि सीता मैया की तरह मैं भी भाग्यशाली हूं। जब मरने वाले मौत के लिए तैयार हो जाते हैं तब उन्हें मौत के तरीकों से डरने लगता। तू अपने बारे में सोच कि तू किस तरह मरना चाहता है। शमशान घाट के किसी मुर्दे में इतना दम नहीं क्या घोड़ी को मार सके। जब चांद और सूरज को ग्रहण लग सकता है तो तू क्या चीज है। तू तो खुद एक दाग है, इंसानियत की माटी पर कोड़ का दाग। अघोरी तेरी मौत होगी और यही होगी। अघोरी हम तेरा काम कर देंगे। पहचानने में बहुत देर की लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार तू मर के भी जल नहीं पाया था लेकिन आज मैं तुझे मारूंगा भी और जलाऊंगा भी। आगे बढ़ाओ।
शमशान घाट के मर्दों, मेरा आधा सपना साकार हो गया है। अब ये सारा खजाना मेरा है, मेरा। What beautiful diamond! कितना बड़ा मानिक! नीलम, तुगराज। और तेरे सामने खड़ा है यमराज। देखा शेषनाग, मैंने तेरे खजाने की आरती लहू से उतार दी है। देखो सब, ये है अमर ज्योति जिसमें स्नान करके मैं अमर बन जाऊंगा। मैं अमर हो गया। अब अगर दो पहाड़ भी टकरा जाए और इसके बीच में दब भी जाऊं तो भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। आज से ऐसे तुच्छ हथियारों की मुझे जरूरत नहीं, भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ले, रख ले अपना त्रिशूल अपने पास, तू भी मुझसे भागेगा, डरेगा मुझसे। मैं तुझे इस धरती पर नहीं आने दूंगा। आज के बाद इस धरती का भगवान मैं हूं। मैं अपनी इच्छा तुम सबकी खोपड़ियों से पूरी करूंगा। इंसानों की खोपड़ियों का पहाड़ इसी मंदिर में बनाऊंगा, अभी शेषनाग के सामने। मौत का धन खाते खाते तेरा पेट फूल गया है, अब तलवार की चोट खा। बाप भिखारी था और बेटा दूसरे के धन पे सबसे बड़ा दानी। एक और दान का शमशान घाट के मुर्दे सिर्फ इंसानों को याद करते रहे, चिल कौओं को भूल गए क्या? अब मैं तेरी पोती चिल कौओं को खिलाऊंगा। शेषनाग, क्या तू इसलिए पृथ्वी का बोझ अपने सर पे उठा रखता है ताकि उसको पापी का राज हो जाए? जिसकी पूजा कर रही हो तुम, मेरी पूजा करो।
भोलेनाथ, आज तक आपने किसी राक्षस को अमर नहीं बनाया, यह कैसे अमर हो गया? जिस तरह महाभारत में दुर्योधन लंगोट पहनने की वजह से पूरा वज्र का न बन सका था, उसी तरह अमर ज्योति में स्नान करते समय अघोरी का त्रिशूल उसके सीने के सामने रह गया था और उस भाग पर अमर ज्योति की किरणें अपना प्रभाव न डाल सकी, इसीलिए ये पापी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो पाया है। बोला, ये अमर नहीं हुआ है, त्रिशूल उठाकर इसके सीने में मारो। वह आज इस राक्षस का अंत हो गया, वरना धन के लालच में अघोरी जैसे इंसान इस शेषनाग जैसे पवित्र स्थान को कलंकित कर देते। अब इस धरती से हम लोगों का जाने का समय भी आ गया है। आप लोग मत जाइए ना। हम इच्छाधारी नाग और नागिन सिर्फ 1000 साल तक इस योनि में रह सकते हैं और अब वो वक्त भी पूरा हो चुका है। और अब हमारा मकसद भी पूरा हो गया है। हम सब साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहे। आप लोग चले जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। हम नहीं रहे तो क्या, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा प्यार हमारे साथ है। मैं आसमान में भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार।